हलो सो वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट एस एन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नर बाई विलियम भीसलेट विलियम हैसलेट बॉर्न सेवनटीन सेवेंटी एट डाइड इन एटीन थर्टी ही ऑज़ अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ द रोमांटिकंड ऑल्सो ही वॉज अ पेंटर तो रोमांटिकज कुछ राइटर्स आप पढ़ चुके हैं जैसे वर्ड्सवर्थ शैली और ब्लैक किड्स लॉर्ड बायरन सैम्युल टेलर कोलरिज तो ये कुछ एटीन सेंचुरी की बात है जब एज ऑफ रोमांटिसिजम हम कहते हैं तो इसमें क्या है इससे पहले जो राइटिंग्स हो रही थी सिंस क्या है कोर्ट पेटर्नेज था राजाएं राजा रानी ये सब जो लोग हैं यही जो राइटर्स को एक तरह से पालते थे पैसा देते थे तो यूजली इससे पहले के जो टाइम था इसमें जितना भी ज़्यादातर राइटिंग या पोइट्री होती थी वो ज़्यादातर नोबल्स के बारे में अरिस्टोक्रैट्स के बारे में या फिर क्या है राजा महाराजा उनके कोर्ट्स के बारे में जो कि आप इंडिया में भी देख सकते जैसे तानसेन ये सब की बात होती है नवरत्न ये सब जो किसी राजा के साथ बैठ के सो बट रोमांटिक एज का क्या था कि पीपल स्टार्टेड डिस्टेंसिंग देमसेल्व फ्राम दिस कोर्टली एन्वायरमेंट नेचर के बारे में ज़्यादा लिखने लग गए इंडिविजुअल इमोशंस के बारे में इंडिविजुअल ज़्यादा सामने आ गया इंस्टेड ऑफ दीज यू नो अरिस्टोक्रैट्स तो ये सब चलते रोमांटिक एज के एक अच्छे राइटर हैं माने जाते हैं

इन 1793 ही वेंट टू अ थियोलॉजिकल कॉलेज बेसिकली क्रिश्चियन कॉलेज जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई होती है लेकिन वहाँ पे क्या है वो धीरे धीरे जो क्रिश्चियन धर्म को पे सवाल उठाने लगे और इसीलिए वो ये कॉलेज छोड़कर वापस आ गए फिर लंदन में 1804 से ये रहने लगे और वहाँ पर लिटरेरी सोसाइटी और राइटर्स आर्टिस्ट इंटलेक्चुअल्स से मिले और एसेज लिखते रहे अपनी अपने देहांत तक जो आपका जो प्रेजेंट एसे है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्निड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम टेबल टॉक एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स पब्लिश इन 1822 उसके कुछ भाग आपके कोर्स में हैं और अब आते हैं टाइटल पे ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्निड तो एक तरह से अज्ञान जो लर्निड क्या है जो पढ़े लिखे लोग और इग्नोरेंस अज्ञान तो एक तरह से पढ़े लिखे लोगों का अज्ञान या फिर अगर आप इसको ट्रांसलेट करें बड़े सिंपल शब्दों में तो पढ़ा लिखा गवार जो कहते हैं तो इसमें आपको एक ये बात देखनी है वी मस्ट डिस्कस लेकिन आयरनी एंड सैटायर हिंदी में दोनों चीज़ों के लिए एक ही शब्द है जिसे हम कहते हैं व्यंग्य है ना तो लेकिन आयरनी में क्या है यूजुअली इट्स अबाउट समथिंग जैसे या तो कोई स्थिति है सिचुएशन है कुछ ऐसा हो गया जैसे आप सोचते हैं कहानी चल रही है आपको लगता है कि कहानी इस तरफ को जाएगी लेकिन असल में कहानी कुछ और ही मुख ले लेती है और वैसे ही आयरन इज़ ऑल्सो कि जब आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आपके बोलने का तात्पर्य कुछ और है जैसे जिसमें सर भी आ जाता है स्पेशली लाइक मदर्स आर अ वेरी गुड एट दिस यू नो कि जैसे आपने कहा मम्मी से कि हाँ मम्मी पाँच सौ रुपये चाहिए तो मम्मी बोलती है कि हाँ नहीं नहीं पाँच सौ क्यों पचास हज़ार ले ले जा जा या फिर आप कहते हैं कि हाँ मम्मी आठ बजे तक जाना है किसी दोस्त से मिलने शाम को बोलते नहीं नहीं आठ बजे क्या रात को बारह बजे तक बाहर बैठो सो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो सरकम आयरनी भी आप इसमें जोड़ सकते हैं बट सिचुएशनल आयरनीज से फॉर इंस्टेंस जैसे कि आ, आप रामायण की कहानी लीजिए तो टिपिकल कहानी है राम हीरो है रावण ईवल है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अंत में राम जीत जाएगा और रावण हार जाएगा जो कि कहानी में होता है आयरनी कब होती कि लाख जो प्रयत्नों के बाद एंड में क्या है जो राम किसी तरह हार जाता है और रावण ही जीतता है सो दैट माइट बी आयरनी हाँ तो ऐसी कई चीज़ें हैं और वैसे ही अगर आप सेटायर को देखें तो सेटायर इन सब को जोड़ लेता है जैसे कि सटायर इज़ मोस्टली लाइक अ पीस ऑफ राइटिंग और डिस्कोर्स जिसमें आप किसी जो ह्यूमन मिस्टेक्स यू नो उनके उनका आप एक तरह से मजाक उड़ा रहे हैं और अच्छा सटायर वो होता है कि जिसमें आप ऐसा मजाक उड़ाएं कि जिसका मजाक उड़ा रहे उसे पता भी ना लगे यू नो सो यू कैन डू दिस थ्रू हाइपर बोल यानी एग्जैजेशन जैसे कोई मान लीजिए अगर कोई आ, मोटा आदमी है तो आप उसकी तुलना किसी गैंडे या हाथी से करें दैट इज़ हाइपर बोल अंडरस्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट वैसे ही हाइपर बोल का उल्टा मोटे आदमी को आप बोले नहीं नहीं वो तो क्या है एक बिल्कुल सुई सा पतला आदमी है या फिर सर के और आयरन की हम बात कर चुके हैं तो दिस इज इस, सो so, इसीलिए आपको ये जो ऐसे है ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड इसको हम सटायर के रूप में यू नो इसका ही क्योंकि आप सबसे बड़ी आयरनी आयरनी की आप बात कर रहे हैं आयरनी सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि एक तरफ से हैजलेट बोल रहे हैं कि किताबें किताबी ज्ञान बहुत फालतू है लेकिन ये जो बातें आपको बता रहे किस माध्यम से बता रहे हैं ये भी अपनी किताब और शब्दों के से ही बता रहे सो दैट इज़ ऑल्सो आयरनी सो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा और द एस ए स्टार्ट्स विद वही सेटारिकल एपिग्राफ बाय सैम्यल बटलर एक कवि थे सेवनटीन सेंचुरी के उनकी एक कविता का एक भाग वो कोट करते हैं और वहाँ से शुरू होता है जो कि पूरे टोन ऐसे का टोन आपको सेट कर देता है इस ऐसे में बेसिकली हैजलेट इज़ यू नो अटैकिंग बुक इस नॉलेज और क्या है कॉमन सेंस की वो प्रशंसा करते हैं कहते हैं कि कॉमन सेंस ज़्यादा ज़रूरी है किताबी ज्ञान से क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बुकिश जो इंटेलेक्ट होती है उससे क्या है आप अपनी स्पॉन्टेनिटी जो एक आपका नेचुरल जो इंटेलिजेंस है वो लूज़ कर देते हैं एंड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिससे क्या है आप खुद चीज़ों को देखते हैं परखते हैं वो चीज़ें आप छोड़ देते हैं क्योंकि आपको आदत लग जाती है कि हर चीज़ आप कोई किताब में पढ़कर देख लें जो कि कहीं ना कहीं क्या है सेकंड हैंड नॉलेज है आपने खुद से अनुभव नहीं किया ख़ुद से नहीं देखा है वो सिंपली आपने किसी और की किताबें पढ़कर सोख लिया है हेसलेट का ये भी मानना है कि जो इंसान जो किताबी ज्ञान जिसमें ज़्यादा हो वो बाकी चीज़ों से दूर हो जाता है वो बस क्या है हॉलो वर्ड्स खोखले शब्दों में फंस जाता है उसे पेंटिंग म्यूज़िक या फिर जो सिंपल चीज़ें होती है हंटिंग फिशिंग डांसिंग इन चीज़ों से वो दूर हो जाता है वंचित हो जाता है और इसके बाद हैजलेट आल्सो ऑल्सो टेक्स अप द कंट्री सिटी डिवाइड जो कि क्योंकि अब देखिए इनके टाइम में रोमांटिक एज का यही एक बड़ा प्रॉब्लम था कि क्योंकि इससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी होने लग गई थी धीरे धीरे बड़े बड़े शहर बन रहे थे लंडन जैसे तो इसमें क्या है धीरे धीरे फिर ये कंट्री सिटी या फिर शहर और आ, गाँव के बीच का जो डिवाइड आ गया था तो लोग कहने लगे कि शहर में क्या है ये सब होता है पोल्यूशन होता है जो कि अभी तक चल रहा है और गाँव में बहुत अच्छा है सब कुछ बहुत सिंपल है एट्सट्रा नेचुरल है तो इसमें हैजलेट कहते हैं कि फॉर्मल लर्निंग या फिर जो स्कूल लर्निंग या किताबी लर्निंग इज़ बेसिकली एन अर्बन फिन ये शहरों की देन है और वहीं से वो आगे चलते हैं और कहते हैं कि अर्बन पीपल आर डेफिशिएंट इन नॉलेज ऑफ कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल स्किल्स एंड बिजनेस जो शहरी लोग हैं ख़ासकर जो किताबी ज्ञान वाले लोग हैं उन्हें लोगों के कैरेक्टर की समझ नहीं है और ना ही प्रैक्टिकल स्किल्स और बिजनेस की समझ है जबकि जो कंट्री लोग हैं जो रूरल लोग हैं वो किसी के भी इंसान को एकदम पहचान लेते हैं और फिर वो कहते हैं जो मासज़ है जो आम पब्लिक है उनके पास कॉमन सेंस है चाहे उन्होंने किताबें ना पढ़ी उन कॉमन सेंस है और उनके अनुसार जो दुनियादारी वाले लोग हैं या फिर बिजनेस हैं वो सबसे समझदार लोग हैं क्योंकि वो जो भी बात करते हैं वो जो भी आर्ग्यू करते हैं वो उन्हीं बातों पे उनके आ, आर्ग्यूमेंट होती है जिन्होंने जिन्हें उन्होंने खुद देखा है और पढ़ा है या फिर जिन्हें खुद वो अनुभव से जानते हैं और जा, जबकि जो जो किताबी ज्ञान वाले लोग हैं जो लर्नड लोग हैं उन्होंने वो चीज़ें वो बातें करते हैं जो कि उन्होंने कहीं से पढ़ी हो और या फिर उन्हें जो लगता है कि यू नो व्हाट ऑट टू बी कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं चीज़ें कैसी है उनके बारे, उसके बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है फाइनली ही एंड्स दी एसे बाय एट्रीब्यूटिंग शेक्सपियर्स जीनियस टू हिज अनएकेटेड माइंड तो विलियम शेक्सपियर जिसे हम इंग्लिश का या फिर किसी भी भाषा का यानी ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स एवर बट ही नेवर हैड एनी फॉर्मल एजुकेशन तो वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर का जीनियस था इसी वजह से था क्योंकि वो अनएकेटेड थे तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपको ह्यूमन जीनियस जानना है तो आप शेक्सपियर पढ़िए लेकिन अगर आपको ह्यूमन लर्निंग जो किताबी ज्ञान की इनसिग्निफिकेंस तुछना तुछता जाननी है तो फिर आप शेक्सपियर के जो क्रिटिक है या फिर कमेंटेटर हैं जिन्होंने शेक्सपियर के काम पे कमेंट्री की है आप उनको पढ़िए क्योंकि ऑब्वियसली शेक्सपियर के काम पे इतनी कमेंट्री लिखी गई है जितना शेक्सपियर ने लिखा था उसका सौ गुणा हज़ार गुणा किताबें लिख चुके हैं उनके प्लेज के बारे में तो हैसलेट का मानना है कि वो सब काफ़ी फालतू है सेकेंड हैंड नॉलेज है सो वी स्टार्ट विद कोटेशन फ्रॉम सैमल बटलर फॉर द मोर लैंग्वेज अ मैन कैन स्पीक हिज टैलेंट हैज़ बट स्ट्रांग द ग्रेटर लीक सो जितनी ज़्यादा भाषाएं हैं जैसे क्या है उस समय पे जो भी फॉर्मल एजुकेशन लेते थे उन्हें ग्रीक लैटिन ये सब पढ़ना पड़ता था तो बटलर कहते हैं कि जितनी ज़्यादा भाषाएँ सीखते हैं आपका जो टैलेंट है उतना ही लीक हो जाता है लूज़ हो जाता है और जितनी आपने मेहनत की है इन भाषाओं को सीखने में वही मेहनत क्या है कहीं और लग सकती थी और इसलिए आप बाकी चीज़ों में पीछे रह जाते हैं द ही ब्रू चैल्डी एंड द सीरिया डू लाइक देअ लेटर सेट मेन्स रीजन बैक तो ये जो पुरानी भाषाएं भाषाएँ हैंब्रू चैल्डियक्स सीरिया की भाषाएँ ये सीखते सीखते क्या है इंसान का जो अपना रीज़न है अपनी सोच है वो पीछे पिछड़ जाती है एंड टर्न देयर विथ्स दैट स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड इट लेफ्ट हैंडेड और जो उनकी जो इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं वो भी वैसे ही उसका भी वही भाग रहता भाग्य रहता है येट he that is but able to express no sense at all in several languages will pass for learneder than he that's known to speak the strongest reason his own or firiege of young age of satire sarcasm has butler kate heke firbi lekin in insabke ke jood jo in san कई भाषाओं में नो सेंस कुछ भी नहीं बोलता है उसे हम ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं जबकि किससे जो कि किस जो अपनी ही भाषा में बहुत समझदारी की बात करें तो वही है जैसे कि जो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है अगर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग मान जाते हैं कि वो सही में ज्ञानी है लेकिन कोई वही चीज़ बड़े सिंपल तरीके से अपनी भाषा में कह दे तो हम हम उसे ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देते तो पहले ही लाइन से ये शुरू हो जाता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफ द आइडियाज ऑल अदर्स ऑथर्स एंड रीडर्स ज़्यादातर धारणा क्या है जो किताब लिखने वाले ऑथर्स हैं या फिर जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत समझदार होते हैं लेकिन हैजलिट पहले ही लाइन में इस धारणा को पूरा उल्टा देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों के पास सबसे कम अपने आइडियाज़ होते हैं और वो कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू बी एबल नाइदर टू रीड नॉर राइट दैन टू बी एबल टू डू नथिंग एल्स वो कहते हैं कि उससे अगर आप बस पढ़ लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते उससे अच्छा था तो आप ना पढ़ लिखिए और बाकी चीज़ें करिए क्योंकि जो, जो इंसान जो क्या है एक हमेशा एक किताब के साथ लिखता है आपको उससे ज़्यादा अपने आसपास क्या हो रहा है और अपने इनफैक्ट अपने दिमाग में के अंदर क्या हो रहा है उससे उस उन चीज़ों का ज़्यादा आभास नहीं रहता ऐसे इंसान को आप कह सकते हैं वो अपनी जो इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग वो अपनी किताब किताब को जो क्या है अपनी जेब में लेकर घूमता है या फिर अपने घर पे अपने लाइब्रेरी पे छोड़ देता है ही इज़ अफ्रेड ऑफ वेंचरिंग ऑन एनी ट्रेन ऑफ रीजनिंग तो वही जो ओरिजिनल थाट की बात हो रही है कि ऐसे इंसानों को क्या हर चीज़ किताब पढ़ के लेने की आदत हो जाती तो इसलिए उनका जो ओरिजिनल थाट है वो उससे डरते हैं कि खुद अपनी सोचने की शक्ति से वो डर जाते हैं या फिर स्ट्राइकिंग आउट एनी ऑब्जर्वेशन दैट इज़ नॉट मैकेनिकली सजेस्टेड टू हिम बाय पासिंग इज आइज़ ओवर सर्ट लेजिबल कैरेक्टर्स तो क्या है जो कोई भी ऑब्जर्वेशन या धारणा भी वो नहीं बना पाते अनलेस उन्होंने वो कुछ शब्द या अक्षर पढ़ के बनाई हो He shrinks from the fatigue of thought, ही श्रिंक्स फ्रॉम द फटीग ऑफ थाट जो वही थाट से वो श्रिंक हो जाते हैं अपने आप को दूर रखते हैं ओरिजिनल थाट से और इसी तरह प्रकार उनके दिमाग में क्या है बस एक शब्द ही शब्द रह जाते हैं और हाफ फॉर्म्ड अध पके इमेज रह जाती है जो कि क्या है कंटिन्यूली है फेस वन इज़ एक दूसरे को मिटाते रहते हैं क्योंकि नई किताब पढ़ते हैं तो पुराना ज्ञान हट जाता है क्योंकि कुछ भी आपने क्या है ओरिजिनल नहीं है आपका और कुछ भी आपने अपने अनुभव से नहीं लिया है बस किताबों से लिया है तो जैसे जैसे आप नई किताबें पढ़ते हैं तो पुरानी चीज़ें जाती रहती है क्योंकि कुछ भी आपका अपना या ओरिजिनल नहीं है और लर्निंग वो कहते हैं इस तरह का जो ज्ञान है वो एक्चुअल में असली जो ट्रू नॉलेज है उसका एक सब्सिट्यूट है या फिर कॉमन सेंस के और वो कॉमन सेंस की जगह ले लेता है और इसमें एक ये बड़ा एक अच्छा एनॉलजी देते हैं कि ज़्यादातर किताबों को क्या है हम स्पेक्टिकल्स की तरह नहीं इस्तेमाल करते कि जिससे आप नेचर को या फिर दुनिया को रियलिटी को देखें एक चश्मे लगाकर बल्कि क्या है किताबों को लोग एक ब्लाइंड्स या फिर जो पर्दों की तरह लगा देते हैं कि जिससे क्या है उन्हें नेचर को देखना ही ना पड़े और वो बस अपने चुपचाप किताबें ही पढ़ते रहें इसी प्रकार जो कि बुक वर्म होता है जो किताबी कीड़ा होता है वो क्या है बस परछाइयाँ देख पाता है जो कि औरों के दिमाग से निकली है और उसके अपनी औरिजिनेलिटी को धीरे धीरे औरिजिनालिटी और कॉमन सेंस को ख़त्म कर देते हैं और इसी तरह से वो जो नेचर की जो असली नेचर है असली नॉलेज है असली दुनिया है उससे भी वो दूर हो जाते हैं और इसीलिए जो एक्चुअल जो रियलिटी के जो बिल्कुल जो है ना द ब्यूटी ऑफ रियलिटी या फिर जो जो भी इतनी चीज़ें उसके आसपास जो एक्टिविटी होती है उन सबको छोड़ वो चुपचाप क्या है डेड लैंग्वेजेस मृत भाषाओं को पढ़ के संतुष्ट रहता है एंड देन ही गोज ऑन टू से कि जो पैरालिटिक जिनका जो क्या है पैरालिसिस हो जाता है अब शरीर काम करना बंद हो जाता है सुन हो जाता है वो कहते हैं ऐसे पैरालिटिक के लिए अपनी कुर्सी से उठकर कर जम्प करना ज़्यादा आसान है या फिर अपनी जो क्रच होता है जो यू you नो know, जिससे सहारा लेके चलते हैं डंडे से वो सब फेंक के वो बड़ी आसानी से चल सकता है ले, लेकिन जो लर्नड टीचर है जो किताबी टीचर है उसे अपनी किताब फेंक कर अपने लिए सोचना असंभव है सो so, कहीं ना कहीं ये देखिए हाइपरबोल दिस इज कॉल्ड हाइपर बोल ही कैन ओनली अ लर्नड ब्रीदेयर एज अदर मैन ब्रीद कॉमन एयर तो जैसे बाकी लोग क्या है जो साधारण लोग सांस लेते हैं ये लोग जो किताबी लोग हैं वो सिंपली क्या है लर्नड <laughs> एटमोस्फेयर जो किताबी एटमोसफेयर में ही सांस ले पाते हैं ही इज अ बॉर ऑफ सेंस जो सेंस है उनका अपना नहीं है वो किसी से उधार लेते हैं किताबों से ही हैज नो आइडियाज ऑफ इज ओन एंड मस्ट लिव ऑन दोज ऑफ अदर पीपल्स और क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि इसीलिए वो अपनी ओरिजिनल थॉट यूज़ नहीं करते हैं तो इसीलिए धीरे धीरे उनका दिमाग भी पे भी जंग लगने लग जाता है क्योंकि उसका ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता है वो सिंपली क्या है पढ़ ही रहे हैं किताबें औरों का ज्ञान ले रहे हैं और कहते हैं इससे अच्छा तो कोई जो लक्ड़ हारा है वुड कटर है जिन्हें हम जो आम तौर पे जो इस तरह के लोगों को जो हम बोलते हैं कि हाँ ये लोगों को कुछ नहीं पता है बोलते उससे अच्छा तो वो इंसान है जो कि क्या है स्वेट्स इन दी आई ऑफ फीबस ग्रीक है तो, तो जो धूप में अपना मेहनत करके पसीना बहाए और रात को एट नाइट स्लीप्स इन एल और रात को क्या है जो ग्रीक हेवन है वहाँ पर अपना के अपनी आराम से नींद गुजारता है इंस्टेड ऑफ़ क्योंकि जो किताबी लोग हैं वो तो ना सोते हैं ना जागते हैं वो बस बीच में फंसे रहते हैं एंड सो ही कीप्स ऑन रिपीटिंग दीज आइडियाज़ और फिर इसीलिए फिर अगला स्टेप पे आते हैं हेजलिट सेज़ की जो क्लासिकल एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन है इसीलिए बहुत फालतू है और वो कहते हैं जो भी इससे बच गया उनका भाग्य अच्छा है और वो कहते हैं कि ये जो देखा रहते देखते रह देखा जाता है कि जो लड़के जो स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं वो बड़े होकर दुनिया में ज़्यादा नहीं सेट uh, हो पाते क्योंकि वो कहते हैं कि स्कूल में फर्स्ट आने के लिए चाहिए क्या सिंपली कि आप जो याद कर पाए मेमोरी चाहिए और वो भी जो सबसे लोएस्ट काइंड आपको क्या है सिंपली याद करना है ग्रामर लैंग्वेज जोग्राफी अरिथमेटिक और उसे एग्जाम में उगल देना है सो so अगर आप ये कर पाते हैं तो आप टॉपर बन जाते हैं लेकिन वो कहते हैं कि असल में जो बचपना है जो बच्चों का काम किया है इधर उधर यू नो टू हैव क्यूरियोसिटी एंड टू एक्सप्लोर थिंग्स एक जो जॉय होता है बचपन का वो कहते हैं ये सब खत्म हो जाता है और इसीलिए जो नेचुरल बच्चे हैं उनकी जगह जो कोई बच्चा है जो थोड़ा सिकली कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बीमार है ज़्यादा एक्टिव माइंड नहीं है ज्यादा खेल कूदता नहीं है चुपचाप बैठे रहता है उसके लिए ये चीजें रट के पास करना आसान है तो कहते इसीलिए क्या है, ऐसे बच्चे टॉप पे आते हैं लेकिन अंत में जो एक्चुअल दुनियादारी में वो फिर फेल हो जाते हैं अगेन प्लीज टेक ऑल ऑफ दिस विद पिंचर है इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं और बाकी चीजें छोड़िए आपको अपने एग्ज़ाम पास करने के लिए तो कम से कम क्या है ये किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी सो मूविंग ऑन वो कहते हैं जिन बच्चों को आप स्कूल टाइम पे बोल देते हैं कि ये बेवकूफ़ है इन्हें पढ़ना नहीं आता असल में क्या है आप क्या ही पढ़ा रहे हो उन्हें ड्राई फैक्ट्स मैथ ये फालतू के नंबर्स और ढंग से पढ़ाया भी नहीं जा रहा है तो बेसिकली इट्स अ वांट ऑफ अटेंशन बच्चों को रुचि नहीं है और जो धीमे बच्चे होते हैं जो डल बच्चे हैं जिन्हें कुछ करना है चुपचाप से बैठना है वो ये चीज़ें याद कर लेते हैं और इसीलिए वो फिर स्कूल में अच्छा कर पाते हैं और इसी के इसी को सपोर्ट करने को कहते हैं कि आर ग्रेटेस्ट मैन जो ज़्यादातर जो उनके आसपास जो महान लोग हैं वो कभी भी स्कूल में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए और ऐसे कई एग्जांपल्स हैं आइंस्टाइन वाइन्सटाइन ऐसे हम अभी तक देते रहते हैं क्योंकि वो कहते हैं जो ओरिजिनल थिंकर्स होते हैं जिनमें इमेजिनेशन होती है वो स्कूली सिस्टम जो बहुत ही जो कि स्कूल सिस्टम की जो दुर्दशा है और अभी तक है आप जानते ही हैं वो सब उनमें वो नहीं सह पाते और इसीलिए वो स्कूल में अच्छा नहीं कर पाते हालांकि आगे चलकर वो जीवन में अपना असली रंग दिखाते हैं और सक्सेस पाते हैं अब आते हैं वो फिर लर्निंग कॉमन सेंस वाली बात पे। वो कहते हैं कि लर्निंग ऑफ नॉलेज इज़ बेसिकली क्या है उस किताबी ज्ञान आपको वैसा ही मिलता है जो कि आम तौर पे लोगों को नहीं पता और वो जो कि आप सेकंड हैंड में किताबों से लेते हो इससे अच्छा तो कॉमन सेंस है जो कि क्या है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आता है क्योंकि जो ज़्यादातर किताबी ज्ञान होता है वो ऐसा ज्ञान होता है जो कि आपके आम जीवन में कभी काम नहीं आता सो इट इज़ ऑफ यूजलेस कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है उसकी क्योंकि जो लर्नड मैन है उन्हें क्या है बहुत सारे नाम याद हैं डेट्स याद हैं लेकिन अगेन जो एक्चुअल रोज़मर्रा की जीवन है उसमें वो बिल्कुल कभी कभार अज्ञानी साबित होते हैं वो लोगों को पहचान नहीं पाते उन्हें पता नहीं है कि कोई अच्छा इंस की अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करनी है और हालांकि उन्हें क्या है लॉज ऑफ ऑप्टिक्स साइंस वाइंस पता है लेकिन वो उनके सामने जो रखी चीज़ है उसके बारे में वो ज़्यादा <laughs> कुछ उन्हें पता नहीं होगा ही नोज एज मच ऑफ वॉट ही टॉक्स अबाउट एज अ ब्लाइंड ऑफ कलर्स किताबी जो इंसान है उसे क्या है जिन चीज़ों के बारे में बात करता है उनके बारे में उतना ही ज्ञान है जितना एक अंधे आदमी को रंगों के बारे में लेकिन फिर भी ही इज़ फुल ऑफ प्राइड हर चीज़ में उनकी एक धारणा होती है ओपिनियन होती है लेकिन वो सब क्या है सेकेंड हैंड से आया है और एक्सपीरियंस से नहीं ही इज़ एन एक्सपर्ट इन ऑल द डेड इन मोस्ट ऑफ़ द लिविंग लैंग्वेजेज बट ही के नाई दर स्पीक इज ओन फ्लूटली नॉट राइट इट करेक्टली हालांकि उन्हें बहुत भाषाएं आती हैं लेकिन जो उनकी अपनी भाषा है उसमें ही वो सिंपल चीज़ें नहीं समझा पाते ऑल्सो दैन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक्स डो नॉट टीच द यूज़ ऑफ बुक्स किताबों का इस्तेमाल करना भी एक तरह से आना चाहिए यू you नो know? पता होना चाहिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी हैं कैसी पढ़नी है लेकिन ये चीज़ें आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाएंगी क्योंकि ज़्यादातर किताबें भी क्या है सेकंड हैंड में ही बनती है जैसे शेक्सपियर ने लिख दिया कुछ उसके बाद वहाँ से कुछ आइडियाज़ लेके किसी और ने लिख दिया उसके बाद उसके बाद और चलते रहती है चेंज तो वो कहते हैं बुक्स को भी आपको पता होना चाहिए कि उनका इस्तेमाल कैसे करें ही कैन ट्रांसलेट द वर्ड इं 10 डिफरेंट लैंग्वेजेज़ बट ही नोज नथिंग ऑफ द थिंग विच इट मीनस इन एनी वन ऑफ तो ही इसे कोई भी एक शब्द या चीज़ है उसे उनका उस चीज़ के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं वो दस भाषाओं में बता देंगे लेकिन असल में वो चीज़ क्या है वो नहीं बता पाएंगे देन ई मूव टू से द लैंग्वेज ऑफ नेचर और ऑफ आर्ट इज़ वन दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड प्रकृति और जो आर्ट की भाषा है ऐसे किताबी ज्ञानी लोगों को नहीं समझ आती है इक्वली इग्नोरेंट ऑफ म्यूजिक एंड ऑफ पोएट्री पोएट्री के बारे में क्या है? उन्हें टेक्निकलिटीज़ पता होंगी मीटर क्या है ये क्या है सिलेबल क्या है लेकिन असल में पोएट्री का जो इमोशन है उससे शायद उन्हें बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जीवन को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है और वो अपने सेंसेस जो सेंस ऑर्गन्स हैं उससे भी दूर हैं No art, no no तो ही नोज नो लिबरल और मैकेनिक आर्ट नो ट्रेड और ऑक्यूपेशन नो गेम ऑफ स्किल और चांस तो वही बात कर रहे है। प्रैक्टिकल चीज़ों से वो बिल्कुल दूर है उन्हें ये चीज़ें आती ही नहीं हैं किस तरह से क्या है खेती बाड़ी करनी या फिर लकड़ी का काम कैसा होता है कंस्ट्रक्शन कैसी होती है इन सब चीज़ों हालांकि शायद उन्हें एक किताबें पढ़कर उन्हें सब पता हो कि ये होता है ये होता है लेकिन असल में वो कुछ भी नहीं कर पाते ही हैज़ नॉट द यूज़ ऑफ़ his हैंड्स और ऑफ़ his फीट He can neither run nor रन और वॉक नॉर स्विम और अगैन क्योंकि वो अपने ही किताबों में ही शब्दों में ही फंसे रहते हैं उनके शरीर से भी ज़्यादा उनका रिश्ता नहीं है ना वो दौड़ पाते हैं ना चल पाते हैं ना ही तैर पाते हैं उन्हें अपने हाथों और पैरों का सही इस्तेमाल भी करना नहीं आता जबकि जो कॉमन इंसान है कॉमन लोग हैं उन्हें क्या अपने है अपने ये सब चीज़ें आती है वो अपने लेबर और स्किल से जीते हैं उन्हें कई चीज़ें आती हैं अपने सेंसेस नेचर से जुड़े हैं और सिंपल चीज़ों में प्रैक्टिकल चीज़ों में वो माहिर रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो लंदन में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड वो कहते हैं कि अगर उसके आप बाहर जो कहीं में खड़े होकर आम लोगों की बातें सुने उससे आप ज़्यादा सीखेंगे जबकि अगर आप 12 महीने ऑक्सफोर्ड के लोगों के साथ बिताएं वहाँ आप शायद कुछ भी यूज़फुल या प्रैक्टिकल ना सीखें तो वही बात चल रही है कि कॉमन सेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन बुकिश नॉलेज एंड फाइनली ऑन द लास्ट पेज टू कंक्लूड दिस सब्जेक्ट वो कहते हैं द मोस्ट सेंसिबल पीपल टू बी मेट विद इन सोसाइटी आर मैन ऑफ बिजनेस एंड ऑफ द वर्ल्ड जो कि हमने पहले बात की थी क्योंकि इंस्टेड ऑफ यू नो कि की वो जो फालतू जो इधर उधर नुकताचीनी करने से अच्छा वो उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने खुद देखी है परखी और वो जानते हैं एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस से उन्हें थ्योरी से ज़्यादा मतलब नहीं है उन्हें काम से मतलब है और फाइनली फिर उसी बात पे आ जाते हैं जो कहते हैं कि शेक्सपियर का जो जीनियस है वो उनके किताबी ज्ञान नहीं था उनके पास इज बिकॉज इज अनएजुकेटेड माइंड एंड सो यू नो अगर आपको असली ह्यूमन जीनियस जानना है तो आप शेक्सपियर पढ़ रही है लेकिन अगर आपको किताबी नॉलेज की फालतूपन देखना है तो फिर आप शेक्सपियर के क्रिटिक्स और कॉमेंटेटर्स को पढ़िए लाइक लाए गए ये सटायर है और बात बिल्कुल सही है किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है है ना शरीर नेचर प्रैक्टिकल स्किल्स कॉमन सेंस सिंपल लैंग्वेज लोगों से मिलना जुलना कैसे आप लोगों से मिलते जुलते हैं बात करते हैं कैसे आप प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं ये सब बहुत ज़रूरी है बट दोनों का बैलेंस चाहिए बेसिकली बात ये हो रही है कि एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम क्या है बस दिमाग पे असर देते हैं और पे ज़ोर देते हैं और वो भी क्या कि बस कुछ याद कर लो और उसे निकल दो और पास हो जाओ हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई भी जैसे मैं भी किया है एक एग्ज़ाम दे के आपके पास आया हूँ एक एग्ज़ाम पास करने का ये मतलब नहीं है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ है ना वैसे जो आपके आई एस ऑफिसर्स एक्सेट्रा जो भी हैं वो सब एक एग्ज़ाम लिख कर आए हैं उन्होंने चीज़ें याद की और निगल दी निगल के क्या है वो उठा दी एग्ज़ाम में और वो लीडर या फिर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर बन गए इसका ये मतलब नहीं है कि वो वाकई में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है तो बात यह है कि एजुकेशन क्या है सिर्फ दिमाग की नहीं होनी चाहिए शरीर की भी होनी चाहिए दिल की भी इमोशंस की भी होनी चाहिए और आत्मा की भी होनी चाहिए तो विलियम हैजलेट बिल्कुल सही बात कर रहे हैं लेकिन पूरी बात ये नहीं है किताबी ज्ञान भी ज़रूरी है लेकिन किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है ऐसा मैं कंक्लूड करूँगा एंड देन प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन एंड वी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड ऑल राइट थैंक यू